हेलो वेलकम इन द यशिता क्लासेस एक बार फिर से मैं यशिता श्रीवास्तव इकोनॉमिक्स के एक नए विषय पर चर्चा करने आई हूँ दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स हाँ एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि जब बात अर्थशास्त्र की आती है इकोनॉमिक्स की आती है तो माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझना बहुत ज़रूरी है इससे पहले कि मैं टॉपिक पर आऊं आपसे निवेदन है कि आपके मोबाइल पर नीचे रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ आ रहा होगा उसे दबा दीजिए एंड बेल आइकन को भी क्लिक करिए जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिल सकें तो आइए अब हम टॉपिक पर आते हैं दैट इज़ फर्स्ट ऑफ़ ऑल डिस्कसिंग द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो मतलब होता है एम आई सी आर ओ दैट इज़ छोटा बट मैक्रो इकनो मतलब होता है एम ए सी आर ओ दैट इज बड़ा सो माइक्रो इकोनॉमिक्स वेन वी स्टडी द इकोनॉमिक्स जब हम इकोनॉमिक्स को एज अ इंडिविजुअल लेवल पर पढ़ते हैं छोटे लेवल पर पढ़ते हैं स्मॉल लेवल पर पढ़ते हैं तो हम उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं बट जब हम उसको लार्ज लेवल पर पढ़ते हैं ग्लोबल लेवल पर पढ़ते हैं एंड इकोनॉमी एज अ होल पढ़ते हैं हम उसको कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक मैक्रो इकोनॉमिक्स सो नाउ लेट अस स्टार्ट इकोनॉमिक्स द सेकंड चैप्टर दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड वॉच द वीडियो टिल एंड बिकॉज एट द एंड ऑफ द वीडियो आई एम गोइंग टू आस्क सम क्वेश्चन रिलेटेड टू द टॉपिक एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सो नोट इट डाउन ओके नाउ बिगिनिंग विद दैट द चैप्टर नेम इज बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स द क्वेश्चन अराइजेज वॉट डज द मैक्रो इकोनॉमिक्स मीन यहाँ पे हमें क्यों पता करना ज़रूरी है कि हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट पता करने चाहिए सो मैक्रो इकोनॉमिक्स वो इकोनॉमिक्स होती है जब हम इकोनॉमिक्स की स्टडी इकॉनॉमी की स्टडी एज अ होल करते हैं तब हम उसे मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं जैसे अगर हम सिर्फ डिमांड की बात कर रहे हैं तो हम पर्टिकुलर डिमांड की बात कर रहे हैं कि भाई इस जगह पर डिमांड इतनी है इस जगह पर डिमांड इतनी है लेकिन जब हम एग्रीगेट डिमांड की बात करेंगे सम टोटल ऑफ ऑल द डिमांड बाय ऑल द इंडिविजुअल्स, सो वो हमारा आएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो मतलब बड़ा होता है सो so, बड़े से आप रिलेट कर सकते हो कि जब हम इकॉनमी को एज अ ग्लोबल लेवल पढ़ते हैं ओके okay? सो बिगनिंग विद डैट द फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेज इन आर माइंड एंड द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दैट व्हाट डज द डोमेस्टिक टेरेटरी मीन्स एंड वॉट इट इंक्लूड्स एंड वॉट इट डज इन ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन अराइजेज वॉट डज द डोमेस्टिक टेरेटरी मीन्स सो हम डोमेस्टिक टेरेटरी को इकॉनमिक टेरेटरी भी बोलते हैं जोग्रफिकल टेरेटरी भी बोलते हैं ऐसा क्यों आपने इंडिया का मैप देखा होगा उसमें जितने भी स्टेट हैं वो हमारे पोलिटिकल फ्रंटियर्स हैं मतलब वह हमारा जोग्राफिकल टेरीटरी को रिप्रेजेंट करते हैं और वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूडेड हैं ओके सो द मीनिंग इज डोमेस्टिक टेरिटरी इज द जोग्रफिकल टेरिटरी एडमिनिस्टर्ट बाय गवर्नमेंट मतलब इसको कौन चलाता है गवर्नमेंट द्वारा ये चलाई जाती है वे आर द पर्सनस गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली यस आप देखते भी हो कि यहाँ से कहीं भी हमारे स्टेट टू स्टेट कुछ भी ट्रांसफर हो सकता है कुछ भी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हो सकता है कहीं से भी सामान कहीं भी जा सकता है सो वंस अगेन डोमेस्टिक टेरिटरी को हम इकोनॉमिक टेरिटरी भी कहते हैं सो so, आप ऐसे लिखोगे एग्जामिनेशन दैट डोमेस्टिक टेरिटरी इज द जोग्रफिकल टेरिटरी एडमिनिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है वे आर द पर्सन गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली आई होप इट्स क्लियर

वट वी इंक्लूड शिप्स एंड क्राफ़्ट शिप्स एंड क्राफ्ट को हम क्यों इंक्लूड करते हैं भाई शिप्स तो हमारे देश से बाहर जाती है आपका क्वेश्चन ये राइज हो रहा होगा कि शिप तो हमारे देश से अफ्रीका जाती है अमेरिका जाती है फिर क्यों हमने इसको कर लिया हमारे तो मैप के हिसाब से होना चाहिए सो यहाँ पे आप देखो यहाँ पे शिप्स एंड क्राफ्ट की वो शिप्स एंड क्राफ्ट की बात हो रही है जो हमारी कंट्री के हैं जैसे अगर हमारा इंडिको है एक एयरवेज है जो हमारा इंडिको है मान लो वो रशिया और जापान के बीच में काम कर रहा है लेकिन वो किसके डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है क्योंकि वो बिलोंग किसको करता है इंडिया को बिलोंग करता है भले वो रशिया और जापान के बीच घूम रहा है काम कर रहा है लोगों को ले जा रहा है ट्रेवलिंग कर रहा है बट वो खाते में किसके पैसा आ रहा है वो इंडिया के ही खाते में आ रहा है वो नाम इंडिगो इंडिगा इंडिगो किससे रिलेटेड है इंडिया से रिलेटेड है ओके आई होप इट्स क्लियर द सेकेंड एग्जाम्पल्स इज फिशिंग वेसेस ये कैसे हुआ भाई फ़िशिंग वेसल्स क्या होता है कि जैसे अगर कोई भी इंडियन फ़िशरमैन uh, है वो किसी दूसरे इंटरनेशनल वाटर वेज़ में काम कर रहा है तो ये ज़रूरी नहीं है कि भाई वो इंटरनेशनल वाटर वेज़ में कर रहा है तो वो इंटरनेशनल बंदा हो गया कोई दूसरी कंट्री से बिलोंग कर रहा है नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है अगर वो इंडियन मैन है और वो इंडियन फ़िशरमैन इंटरनेशनल वाटर वेज़ में काम कर रहा है तो वो बंदा कहाँ का है वो बिलोंग किसको करता है वो इंडिया को ही बिलोंग करता है सो so, वो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया का ही पार्ट है सो नाउ द पॉलिटिकल फ्रंटियर आपको वैसे भी बता दिया पॉलिटिकल फ्रंटियर जो हमारे मैप पे सारे स्टेट्स दिखते हैं उसको वो इंक्लूडेड करता है ये डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होता है एम्बेसी वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ एम्बेसी एम्बेसी वो होता है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होता है जो हमारी कंट्री को किसी और कंट्री में रिप्रेजेंट करते हैं फॉर एग्जाम्पल इंडिया की एम्बेसी अफ्रीका में होगी ठीक कैसे जैसे एमबीसी एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होता है जो आई होते हैं जो बड़े लेवल के अधिकारी होते हैं उन सब का एक ग्रुप होता है जो जाते हैं वहाँ पे जिनका सेटअप होता है दूसरी कंट्री में अफ्रीका में जो हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई हम इंडिया से हैं इंडिया का झंडा वो करते हैं और बताते हैं कि हम इंडिया को बिलोंग करते हैं हमारे कंट्री को वो रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है अगर कोई भी दिक्कत वहाँ पर कोई भी गड़बड़ी हो रही है और कोई भी शिकायत इंडिया की है तो वो सबसे पहले एम को ही बताई जाएगी आई होप इट्स क्लियर सो लेट एस नाउ डिस्कस वॉट इट डजेंट इंक्लूड क्या चीज वो इंक्लूड नहीं करता है सो एम्बेसी कॉन्स्यूलेट मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट ऑफ अ फॉरिन कंट्री एब्सोल्यूटली अगर कोई अफ्रीका की एम्बसी है अफ्रीका की एम्बेसी हमारे इंडिया में काम कर रही है तो वो बिलोंग किसको कर रही है अफ्रीका को कर रही है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है वो अफ्रीका को रिप्रेजेंट कर रही है भले वो इंडिया में है सब कुछ है वो वहाँ रह भी रही है लेकिन वो रिप्रेजेंटेशन किसका कर रही है वो अफ्रीका का ही कर रही है सो so, कॉन्सुलेट क्या होते हैं कॉन्सुलेट वो ऑफिस या बिल्डिंग होती है जिसमें कि कौन से लोग रहते हैं ये वो बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं जो हमारे कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं अनदर कंट्री में ओके सॉवरेन नेशन में ओके नाउ द सेकेंड वन इज विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इज द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अब भैया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है जैसे आपको पता होगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होती है ऐसे होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है डब्ल्यू एच ओ होता है ऐसे सब होता है तो ये सब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ये कहीं की भी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है इसको हम कभी नहीं बोलेंगे कि ये भैया यहाँ की है ये भैया यहाँ की है ये एज अ होल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इसको कहीं भी हम पर्टिकुलर इंक्लूड नहीं करते हैं ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिस्कस दैट डोमेस्टिक टेरिटरी इज़ द जोग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट वेयर पर्सन गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली वॉट इंक्लूड्स शिप शिप्स एंड एयरक्राफ्ट Are included, fishing vessels included, political front triads are included, and embassies are included. Now, what does it doesn't is included? Embassies, consulate, military establishment of a foreign country, okay, international organization like WHO, etc. Now I am going to note down, note you down some of the very important question related to the concept and for the more clarification of this topic. So, which of the following are covered under domestic territory of India, okay? The first question is an Indian company in London. The question is an Indian company in London. एक इंडिया की कंपनी लंदन में काम कर रही है, तो ये domestic territory का पार नहीं है. अब हम ये जानते हैं क्यों नहीं है भैया, ये तो इंडियन कंपनी है ये तो होना चाहिए नहीं लेकिन ये काम कहाँ कर रही है लंदन में काम कर रही है यहाँ पे पॉलिटिकल फ्रंटियर क्या है यहाँ पे लंदन है पॉलिटिकल फ्रंटियर कहीं मतलब कंट्री तो वो इंडिया की है कंपनी तो वो इंडिया की है बट वो काम कहाँ कर रही है लंदन में कर रही है सो नो वाई रीजन इज गिवन बिकॉज डूइंग वर्क इन लंडन पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ लंडन ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन इंडिया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन इंडिया कहां पर है इंडिया में ऑफिस ये इंडिया में है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सो येस इट इज इंक्लूडेड इन द डोमेस्टिक टेरिटेज इंडिया बाई डूइंग वर्क इन इंडिया दैट इज पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ इंडिया द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंपनी इन इंडिया ओन्ड बाई अ जैपनीज इन कहां पर कहां पर है ये कंट्री कंपनी ये आप देखिए तो ये कंपनी हमारी इंडिया में भले वो जिसके द्वारा ओन की जा रही वो छोड़ दो अभी यहाँ पे देखे पोलिटिकल यार पहले देखो कि वहाँ कहाँ पे वो काम कर रही कहाँ वो पैसा कमा रही है सो येस डूइंग वर्क इन इंडिया दैट इज़ विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ इंडिया फोर्थ ऑफिस ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज इन न्यूयॉर्क नो ये कहाँ पर काम कर रही है न्यूयॉर्क में काम कर रही है यहाँ पर पोलिटिकल फ्रंटियार क्या हो गया न्यूयॉर्क हो गया ओके इंडियन एम्बेसी इन जापान सो येस बिकॉज इंडियन एम्बेसी बिलोंग्स टू इंडिया मैंने अभी एमबेसी के बारे में आपको समझा दिया था कि एम्बेसी जहाँ की है वहां का ही वो डोमेस्टिक टेरिटरी को बिलोंग करेगी ये नहीं है कि इंडिया की एम्बेसी अगर अफ्रीका में रिप्रेजेंट कर रही है इंडिया को तो वो अफ्रीका का पार्ट हो गई वो रिप्रेजेंट किसको कर रही है इंडिया को कर रही है और वो इंडिया का ही पार्ट है सो कॉन्सुलेट वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मीनिंग सो ऑफिस और बिल्डिंग यूज बाय द कौंसूल और कौनसूल मतलब वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो कि हमारे नेशन को किसी और नेशन में रिप्रेजेंट करते हैं सो so, आया आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड दूसरों को शेयर भी कीजिए जिससे कि दूसरों को लाभ मिल सके थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो